हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का समय और मैं 2 दिन पहले जो नर्सरी गई थी कुछ प्लांट्स का शॉपिंग करने के लिए विंटर का। कुछ मुझे विंटर का मेरे यहाँ भी जो प्लांट मिलना शुरू हो गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा प्लांट जो है विंटर का मैं लेके गई और किस रेट में लेके गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला ये प्लांट देख रहे हैं, ये पिटूनिया का प्लांट है। ये देख सकते हैं इसका लाइट कलर का पिटूनिया फ्लावर खिला हुआ, और ये जो 3 देख रहे हैं 1, 2 और 3 से फ्लावर अभी नहीं खिला हुआ, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी है। देख सकते हैं ये थोड़ा सा 2 दिन हो गया तो थोड़ा सा झुक गया है, मुरझा गया है, कोई दिक्कत नहीं। लगाने के बाद पानी वगैरह डालेंगे तो प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से 3 में पिटूनिया का प्लांट लेके, 4 में पिटूनिया का प्लांट है जिसमें 1 फ्लावर खिला हुआ और 3 में फ्लावर नहीं खिला हुआ। ये चारों जो मुझे है एक प्लांट पड़ा है 30 रुपीज़ करके, और जो भी प्लांट मैं लेकर आई हूँ सब नर्सरी से, रोड साइड में जो नर्सरी लगा के रखते हैं सब उसी से लेकर के आई हूँ। इस तरह से ये 33 रुपीज़ का एक प्लांट पड़ा है। 2 मैं जीनिया का लेकर के आई हूँ, जीनिया मेरे पास में 1 भी नहीं है। तो देख सकते हैं इस तरह से एक ऑरेंज कलर का है और एक वाइट कलर का, बहुत सारा था, लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इस वजह से ज़्यादा प्लांट मैं जीनिया का नहीं लेकर के आई हूँ। तो ये भी मुझे 30 रुपीज़ का प्लांट पड़ा है। ये प्लांट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये थोड़ा सा डल जैसा हो गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, प्लांट रिपोर्ट करने के बाद अच्छा हो जाता है। और ये 2 जो देख रहे हैं ये बिंका का, मेरे पास में बिंका का बहुत सारा कलर है। ये जो कलर देख रहे हैं ये भी मेरे पास में है, लेकिन बारिश में थोड़ा सा प्लांट जो है ख़राब हो गया, फ्लावर देना बंद कर दिया है। चलिए ये प्लांट मैं फिर से लेकर के आई हूँ। और एक इस तरह से पिंक लाई, ये भी फ्लावर जो खिला हुआ थोड़ा सा डल है, ये जो प्लांट ये फ्लावर जो देख रहे हैं ये डीप कलर में खिलता है। ये दोनों हाइब्रिड बिंका है, ये भी मुझे 30 रुपीज़ करके ईच प्लांट पड़ा, और ये दोनों प्लांट बहुत हेल्दी है। इधर देख सकते हैं ये 2 मैं कॉस्मोस लेकर के आई हूँ, देख सकते हैं एक येलो कॉस्मोस है और एक ये ऑरेंज है, ये 20 से भी लग जाता है। तो देख सकते हैं प्लांट हेल्दी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं। और ये सब जो एक बार प्लांट लगाने का बीज गिर जाता है, इसमें मेरे यहाँ नहीं लगा, एक भी नहीं उगा है प्लांट जो है, इसलिए मैं मुझे लेकर के आना प्लांट। और ये मुझे 20 रुपीज़ करके एक प्लांट पड़ा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, प्लांट भी देख सकते हैं अच्छा है। ये देख सकते ये मेरा प्लांट का नाम भी नहीं मुझे पता, इस तरह से छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, इसमें फ्लावर होता है पर्पल कलर का, और जितना भी ये देख सकते हैं जितना भी फ्लावर का जो टिप्स होता है सभी पर ये फ्लावर खिला हुआ, सॉरी जितना भी ब्रांच है सभी पर ये फ्लावर खिला हुआ और अच्छा लग रहा था। ये बोलते हैं कि नर्सरी में ये कटिंग से भी प्लांट जो है बहुत इजीली लग जाता है। तो ये प्लांट भी मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, अच्छा लग रहा, फ्लावर भी देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, और ये पेरेनियल प्लांट है। अरे एक लोनीमा का लेकर आए, एक लोनीमा मेरे पास बहुत सारा हो गया है, ये मेरे पास में नहीं था ग्रीन और वाइट, तो ये मैं लेकर आया, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ, देख सकते इस तरह पॉट में लगा हुआ, और इसमें फ्लावर भी खिलता है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मेरे पास एक लोनीमा का और भी बहुत सारा 2-3 साल पुराना प्लांट भी है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं खिला, उसमें फ्लावर खिला हुआ, ये पीस लीजिएगा जैसा ही फ्लावर खिलता है। ये मुझे 160 का पड़ा है, इसको छोड़ करके जितना भी प्लांट आप देखें सब मुझे 130 का ही, सॉरी केवल 30 रुपीज़ का प्लांट पड़ा है। और कुछ जो प्लांट है मैं रिपोर्ट भी कर दी हूँ, जैसे डेंथस का वो मैं इसको लगा भी चुकी हूँ। तो बस इतना ही सारा प्लांट मैं लेकर गई थी। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।